नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ग्राम पंचायत मझौली में कुछ ही दिन पूर्व भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, जो जनपद से लेकर जिला तक पहुंचा। शहडोल जिले में कोरोना के कहर से जिला प्रशासन परेशान है, परंतु कई पंचायत ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। शासन ने पंचायतों को इस महामारी में मास्क और सैनिटाइजर वितरण के लिए निर्देश किया था, परंतु पंचायतों द्वारा केवल नाम के ही मास्क वितरित किए गए। इसी सिलसिले में ग्राम पंचायत मझौली में भी हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया ने जनपद बुढ़ार से लेकर जिले में बैठे उच्च अधिकारियों तक की लिखित शिकायत की। यहां तक कि मीडिया ने पंचायतों के भ्रष्टाचारों को उजागर किया तो मीडिया के ऊपर ही पंचायत कर्मियों ने पैसे मांगने के आरोप लगा दिया। सत्य को उजागर करने पर पत्रकार को फोन पर तरह तरह की धमकियां भी दी गईं, जिससे प्रताड़ित पत्रकार ने जिले में बैठे अधिकारियों को भी अवगत कराया और जांच की मांग की। ग्राम पंचायत मझौली के ही ग्राम हरेडी में पंचायत कर्मियों ने लगातार भ्रष्टाचार किए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत कर्मियों के खिलाफ आवाज उठाई, परंतु जनपद में बैठे अधिकारियों ने जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भी बड़ा खेल खेला जा रहा है, परंतु जनपद अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद को देखकर लगता है कि ग्राम पंचायतों में फैला भ्रष्टाचार कभी खत्म भी हो पाएगा। मध्य प्रदेश शहडोल से अविनाश शर्मा की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।